क्रिस्टियानो, आप सबको पहली सहरी बहुत मुबारक। और मस्जिदों में ना टाइम खत्म हो चुका है, मेरी मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ अभी तक। एंड आप सबको अगेन रमजान बहुत मुबारक। जा रहे हैं अभी ईद की शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने मुरमुरे लिए, यही मेन चीज है हमारी। इसमें हाफ कटा हुआ लेमन डालेंगे। तो लो जी, हमारी भेलपुरी चाट बन के तैयार है। और भाभी यहाँ पे बना रही हैं पकौड़े, प्याज के इन पालक के। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, अपना फैमिली ब्लॉग। सो मैं आप सबकी प्यारी कराई हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप लोग हुए, अलहमदिल्ला फाइनली हम सहरी तक पहुँच ही चुके हैं। एंड जानो, आप सबको पहली सहरी बहुत मुबारक। एंड मेरी प्यारी जानो, आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। और टाइम हो रहा है अभी 4:17 हो रहा है। इनफैक्ट मैं पूरी रात से सोया ही नहीं, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना, खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी फ्लैश क्यों मारे, क्योंकि हमारे सामने की जो लाइट है वो ख़राब हो रही है इसलिए। और अभी खाना वगैरह यहाँ पे लग रहा है दस्तरखान पे, खाना खाएंगे जल्दी जल्दी से, अपना खाना पेट पूजा कर लेंगे, फिर पानी की बरसात करनी है अपने अंदर। अभी अनाउंसमेंट भी हो गया उठने के लिए, तो चलो पहले खाना वाना लगवा देते हैं जल्दी से, फिर बात करेंगे। बाहर का माहौल देखते हैं क्या हाल चाल है। सब सो रहे हैं, कोई भी उठा हुआ नहीं है यहाँ पे। उस घर में उठे हुए हैं, वहाँ वो मुस्लिम रहते हैं, इस घर में भी रहते हैं, सब सो रहे हैं, गली में सन्नाटा पड़ा है। टाइम हो रहा है 4:29 और अभी भी हमारा सहरी का वक्त चालू है। और हमने यहाँ पे खाना वाना लगाया और साथ में मिलके हमने सहरी करी। खाने में हमने बहुत ही लाइट खाना बनवाया था, दाल चावल। फर्स्ट सहरी थी ना, खाया भी नहीं जा रहा था। डेली अब हैबिट हो गया हमारी बॉडी को, सो साथ में सहरी करके बहुत मज़ा आया। सुया गाइस, हमने सहरी कर ली है, बहुत जल्दी हमारा खाना हो गया, क्योंकि आज पहली थी ना, तो इसलिए खाया भी नहीं जा रहा था, बस ज़बरदस्ती खा लिया, क्योंकि ये रोज़ा रखना है, खाना भी ज़रूरी है, खाना चाहिए, सुन्नत है खाना। और अभी भी बस ऐसी नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बस हमारा टाइम होने ही वाला है सहरी का ख़त्म। 4:47 हो चुके हैं, बस थोड़ी सी देर और बची है, जल्दी से हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं किस खुशी में भैया बम फोड़े जा रहे हैं, मैं भी रमज़ान है ना इसलिए। और टाइम हो गया भाई 5:01 हो गया, फटाफट से अपना पानी और भर लूँ मैं, फिर 5 मिनट बचे हैं। और पानी की बोतल सब मैं अपने पास लेके बैठा हूँ और बाहर की तरफ बैठा हुआ हूँ कि जैसे अनाउंसमेंट की वॉइस आएगी एकदम पानी पी लूँ। अभी नहीं, अभी टाइम है। मे भी हर एक बंदा इस टाइम पर मुस्लिम पानी की बॉटल अपने हाथ में लेके बैठा होगा, और आप लोग भी इस टाइम पर ना पानी की बॉटल लेके बैठे होंगे। और मस्जिदों में ना टाइम ख़त्म हो चुका है, मेरी मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ अभी तक। हाँ 14 हो गया, 15 था ना, 15-16। और मस्जिदों में अम्मी 14 हुआ है, हमारी तरफ नहीं हुआ अभी। मैं वही तो कह रहा हूँ, टाइम से पहले हो गया। यस जानो, टाइम खत्म हो चुका है हमारी सहरी का। तो जी, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और चलते हैं जल्दी से अब नमाज की तैयारी करने के लिए। अजान भी हो गई, तो चलो नमाज की तैयारी करते हैं। एंड जानो, दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको ज़रूर याद रखना है, फिलिस्तीन गाज़ा को भी प्लीज़ ज़रूर याद करना। तो चलो नमाज़ पढ़ने चलते हैं। सो यस जानो, मेरी नमाज हो चुकी है, सुबह के 6:07 हो रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ नींद करने के लिए। सब लेट चुके हैं, सब नमाज़ पढ़ लिया, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। पर मैं सोच रहा हूँ कि यार ना सो के मैं एडिटिंग कर लूँ, पर देखते हैं, मुझे अपना रूटीन ठीक भी करना है। आपको पता है इन्फेक्शन वगैरह भी हो रखा है, तो मुझे ज़्यादा अपनी हालत और ख़राब नहीं करनी है, तो मैं सो ही जाती हूँ, एडिटिंग इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। सो यस जानो, चलो अब आपको सुबह में मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगेन रमज़ान बहुत मुबारक। बाय। अस्सलाम वालेकुम जानो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी बट मैं उठ गई क्योंकि मुझे काम करना है। और मैं अभी आई हूँ ऊपर छत पे, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, कसम से देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और मुझे अभी करनी है वॉइस ओवर, नीचे अभी नहीं कर सकता, मुझे वॉइस ओवर करनी है, तो मैं ना यहाँ पे बैठ के, छाए में बैठ के ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ।
और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सो यार जानो मेरी ना वॉइस ओवर हो चुकी है, सिर्फ आई मेकअप तक वॉइस ओवर हो चुकी है, अभी बेस वगैरह की भी है तो उसको भी थोड़ी देर में करूँगा, अभी अजान हो रही है। और आप लोग बताओ आप लोगों का रोज़ा कैसा कट रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा कट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओए इन्नू का गाइस रोज़ा और इन्नू यार चिज्जी खा रही है। रोज़ा है कहाँ है दिल में? हाँ इन्नू का खाने वाला रोज़ा है ना, तो इन्नू का रोज़ा तो चलेगा। सो मैं और अम्मी जी जा रहे हैं अभी ईद की शॉपिंग करने के लिए, और इन्नू के लिए भी कपड़े लेके आने हैं, मीन्स उसके लिए कुछ हम करने वाले हैं। वो व्लॉग और वो वीडियो जो है वो सेपरेट होगी, वो अलग आएगी चैनल पे, उसको तो आप अलग ही देख। तो अब हम जा रहे हैं, फिर वहाँ पे ही मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। मार्केट में जाते ही मेरे दुपट्टे पे नज़र गई, अम्मी जी के सूट से बिल्कुल मैच कर रहा था, मैंने फटैक से ले लिया, मेरा दिल आ गया था। तो मैंने बोला अंकल पैक कर दो, और अंकल जी ने मेरी वहाँ तारीफ ही करी, तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह ली हमारे पकौड़े के लिए। सो गाइस मैंने ना ये लेस परचेज किया है, मुझे कुछ बनाना है उसके लिए, तो इसके बारे में ना मैं आपसे घर पर बात करूँगा, ठीक है। चलते चलते मेरी नज़र गई इस बॉटल पे, ये बॉटल पता है बहुत ट्रेंड में चली, और ये सिर्फ और सिर्फ बाजार में 100 रुपये की मिल रही थी, और इतनी अच्छी थी ना, यहाँ पे हर चीज़ 100 रुपये में मिल रही है। सो यस जानो हम घर पे आ चुके हैं, अम्मी और मैं, जो मेन चीज़ हम लेने गए थे ना वो हमें मिली नहीं, अंकल नहीं आए थे, मे बी हम जल्दी चले गए इस वजह से, रोज़ा इस वजह से। वैसे और सब ने भी तो लगाया था, यहाँ मेरी चोट लगी पड़ी, देखो कितना ज़्यादा मेरा डीप कट हुआ हुआ है ना हाथ पे। तो अभी हम क्या क्या लेके आए मैं वो दिखाता हूँ। एक मैं ये जार लेके आया हूँ, तो ये जार लेके आए हम एक जूस के लिए, ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक सा लग रहा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे, तो मम्मी जी को भी बहुत पसंद आया। इसमें एक कलर और था ऑरेंज, एंड एक ये था, तो मैंने कहा ब्लैक ले लो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये हमें ना 100 रुपये में मिला है, 100 रुपये के अकॉर्डिंग ना बहुत ही अच्छा है। और मैं ना एक ही दुपट्टा लेके आया हूँ, ये अम्मी जी के लिए लेके आया हूँ, जो काफी मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अम्मी जी ले लो ये, अम्मी जी का ये जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल सही जा रहा है कपड़े के ऊपर, ये लग रहा है देखने में ऐसा, बट ये पूरा जब सूट रेडी हो जाएगा तब ये बहुत अच्छे से जाएगा। ये 150 रुपीज़ का हमें एक दुपट्टा मिला है, प्राइस के अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं कि गाइस नेक लेके आया हूँ, मुझे ना वो बनानी शॉर्ट कुर्ती, तो मैं उसके लिए लेके आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिल था ऐसा कुछ बनाने का, मैंने एक जगह देखा था, मैंने पूरे बाजार में देखने के बाद मुझे ये मिली, ये वाली मुझे लेस लेनी थी, मैंने पूरे बाजार में देखा मुझे कहीं नहीं मिला, फिर एक नाउम्मीद नहीं हुआ मैं, पर एक अंकल के पास जब मैंने देखी ना तो मुझे ये मिल गई फाइनली, मैं तब खुश हो गया। ये देख सकते हो बहुत, पता है लगने के बाद क्या लाजवाब लगती है ना, मैंने एक के ड्रेस में देखी थी लगी हुई थी, और बहुत अच्छी लग रही है। और ये 40 रुपये मीटर मिली है, तो हमने 5 मीटर ली है, 150 में हमें मिली है ये। और ये नेक मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में, आपको इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ब्लैक वाइट बहुत सारे कलर मिलेंगे, डार्क लाइट सब। नेक और जो ये लेस लेके आए हो ना, ये मैं ना एक कुर्ती सोची है बनाने की, अब मे बी ये ईद से पहले बनेगी, ईद के बाद बनेगी, कुछ आइडिया नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है, जो मेन चीज़ है कपड़ा, वो मैं नहीं लेके आया हूँ अभी, क्योंकि अभी कुछ दिन हम और रुक के जाएंगे तब लेके आएंगे, अभी तो बहुत सारे पड़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ अलहमदिल्ला, पहला रोज़ है, अभी तो बहुत सारे हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे करके अभी ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी मैं टाइम क्या हो रहा है, हाँ अभी हो रहा है 4:53 हो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए, देन उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद मुझे अजान हो जाएगी नमाज के बाद, मुझे फिर इफ्तार बनानी है, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। एंड जानो ना मैं आप सबके साथ ना एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, ये आप लोगों के ना इफ्तार में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ये चाट रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत परफेक्ट है हमारे इफ्तार के लिए, और बहुत ही ईजी है, एकदम झटपट बन जाती है, और सामान भी सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाता है। और ये चाट खा के ना आप पक्का पक्का मेरी बहुत तारीफ करने वाले हो, मुझे थैंक यू बहुत बोलने वाले, और क्या चाट रेसिपी बताइए, बहुत यम है। तो चलो यार जल्दी से पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सो जानो हमें यहाँ पे प्याज लेनी है, एंड उसको ना बहुत ही छोटे छोटे पीस में हमें कट करना है, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं ना वैसे ही हमें बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। और आप चाहो तो आप एक बड़ी भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की ली थी, और दोनों ही मैंने कट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटो लिया, ये भी मैंने पूरा बिग साइज में लिया था, और इसको भी मैंने बहुत ही बारीक बारीक सा कट कर लिया है।
और उसके बाद हमें यहाँ पे ना 4 ग्रीन चिली लेनी है। आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप अपने हिसाब से लेना। जो ये मैंने ग्रीन चिली ली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तीखी थी तो इसलिए मैंने 4 ली, और हमारे घर तीखा भी खाया जाता है तो अच्छा, अगर ऐसे चीज़ में तीखा डलता है ना तो अच्छा लगता है। और मैंने जितना भी सब कुछ काटा है उसको मैंने एक बाउल में कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे लिया, यही मेन चीज़ है हमारी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 स्पून में से भी 1/2 डाला है, एंड 1/2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, एंड इसमें हमें चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला आता है उसको ऐड करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, मैंने बहुत सारा डालता है। एंड इसको अच्छे से मिक्स 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 करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें 1/2 कटा हुआ लेमन डालेंगे, एंड इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करिए जानो, और ये बनती भी बहुत जल्दी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लो जी, हमारी भेलपूरी चाट बन के तैयार है। आई होप जानो आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इजी आपने देखा ना। और अब तो हम इफ्तार पे खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी तो मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती। और अभी हमारे घर पे फुल तैयारी चल रही है इफ्तार की, अभी मुझे चाट बनानी है, मेरा ही काम होता है ये करने का। और भाभी यहाँ पे बना रही हैं पकौड़े, प्याज के इन पालक के, मिर्ची के बनेंगे, और आज ये आलू के फिर थोड़े से बने हैं, ये इन्नू ज़्यादा खाती है इसलिए। और अभी तो फर्स्ट रोज़ा है, धीरे धीरे करके होगा, ये हमारे पापड़ बनेंगे एंड ये कचरी वगैरह भी होगी। तो जी चाट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ चाट बनाने के लिए। टाइम भी हमारा हो ही रहा है, 5:51 हो चुके हैं, 6:30 पे होने वाला है रोज़ा हमारा खुलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तैयारी पूरी रेडी हो चुकी है, तो भाग भाग के मैंने काम करना, हमारा टाइम होने ही वाला है, 6:20 हो रहे हैं, बस फटाफट से बस अब बैठ जाते हैं हम लोग, दुआ वगैरह भी करते हैं। यस जानो, हमारा रोज़ा खुल चुका है, नमाज भी पढ़ ली है, अब मैं लेटा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। भाई साहब, अरे ये क्या कर रही है, ये नहीं अलग अलग बहुत गंदी हो रही है ये। अब आ रही है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा और मेरा हो रहा है हेडेक हो रहा है बहुत गंदा वाला, तो मेरे को ना थोड़ा रेस्ट करने का देर कर रहा है, पर मैं और मैंने कुछ भी नहीं करा, खुद ही रो गई, पता नहीं क्या मुझे आ रही है नींद इस टाइम पर। मैं थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर अपना नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की एंड तरावी, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो करना, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सो यस जानो, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, बस अब मैं वीडियो ही एडिट कर रहा था, बट मैं भूल गया कि मुझे ये तो व्लॉग भी कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे इन्नू अभी रो धो के अभी चुप बैठी है, बहुत रोई है, बहुत लड़ाई करी है अभी इसने बहुत ज़्यादा। और साजिद भैया लेके आए हैं गोलगप्पे, बट इस टाइम पे कुछ भी लेके आ जो अच्छा लगता ही ना, खाने का दिल बिल्कुल करता ही नहीं है। ये रहे गोलगप्पे, रो रो के वो देखो कैसा सुझा लिया है, लो पुच्ची दे दो एक गाइस को, हाँ लो दे दो, मैं चुप रहा हूँ। एंड गाइस आपको पता है इन्होंने यहाँ पे कटिंग करा ली है, तो बैंग्स वगैरह कट कराए, छोटे छोटे से बाल करा लिया, तो मैंने यहाँ पे एक गोलगप्पा खाने की सोचा कि एक तो खा ही लूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत टेस्टी है। सो यस जानो, अब मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग को यहाँ एंड करने के लिए।
तो ये था मेरा रमज़ान का डे वन का व्लॉग। आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया हो। और कैसा गया आपका पहला रोज़ा कमेंट में प्लीज़ बताना। मेरा अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा गया, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा गया होगा आपका ये रोज़ा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो चलो जी, बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। एंड बहुत जल्दी इंशाल्लाह रेसिपी वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं रमदान के। तो बस आप ऐसे ही बने रहना, आगे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो या चलो बाय बाय, लव यू, लव यू ऑल जानो। एंड आप सबको अगेन रमदान बहुत मुबारक। ओके जी, बाय, लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय।